गाड़ी के अंदर टोटल मैडम बता रही है 11 से 12 लोग सवार थे। जैसे ही वो सारे पत्थर गाड़ी पे आके गिरे तो गाड़ी नदी में जाके गिरी। जिसका दिल छोटा हो वीडियो को ना देखे, पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और मैं आगे की वीडियो आपको दिखा देता हूँ। पत्थर गिरे और पलट गई, मैं बिल्कुल ड्राइवर की साथ वाली सीट पे था, तो मैं संभव मैं बाहर निकल गया था, गिर गया बाहर। मेरे साथ ये आपका नाम शिरलो ब्राय और मैं नवीन, हम दोनों अभी सर्वाइव कर पाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सनी आर्या, हेल्पिंग सनी आर्या से। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी दुखद भरी है, लेकिन आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी, पूरे भारत ने पूरे वर्ल्ड ने वो वीडियो देखी थी। 25 तारीख को हिमाचल में जब ऊपर से पहाड़ टूट के नीचे गिर रहे थे, मैडम के हस्बैंड थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। आपने देखा होगा, मैं आपको वीडियो फिर से दिखा देता हूँ, ये साइड में वीडियो प्ले कर रहा हूँ मैं। आप देखिए किस तरीके से ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, और नीचे एक गाड़ी जाती हुई दिखा देता हूँ मैं। ये नीचे से जो गाड़ी जा रही है, ये इस गाड़ी को इनके हस्बैंड चला रहे थे। गाड़ी के अंदर टोटल मैडम बता रही है 11 से 12 लोग सवार थे। जैसे ही वो सारे पत्थर गाड़ी पे आके गिरे तो गाड़ी नदी में जाके गिरी। जिसका दिल छोटा हो वीडियो को ना देखे, पहले भी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और मैं आगे की वीडियो आपको दिखा देता हूँ। 55AG आगे बता। 9003 ये वो वीडियो थी जो आपने अभी आपने देखी, जिसमें से जो ब्लू कलर के अंदर एक आप शख्स को देख रहे हैं, वो मैडम के हस्बैंड थे, तो जिन्होंने भी अपने जाने गवाई है, उसके परिवार को मैं ये कहूँगा हौसला बना के रखना आप। और ये एक लिस्ट मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जाने गवाई हैं। पूरी डिटेल है इसके अंदर मेंशन, नाम पता एड्रेस। जो भी भाई आसपास इनकी मदद करना चाहे तो वहाँ जा सकता है। कुछ लोग राजस्थान के हैं, कुछ लोग छत्तीसगढ़ के हैं। जिसको भी मदद के लिए अगर किसी से मिलना है, किसी का थोड़ा सा दुख बांटना है, मिलने जाना है, आपके पड़ोस में रहते हैं, आपको जानकारी अभी तक नहीं है, तो लिस्ट भी मैंने आपको दिखा दी है। 8 से 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दो लोग बचे हैं, मैं उनकी वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ। ये साइड में ये वीडियो देखिए आप। पत्थर गिरे और पलट गई, मैं बिल्कुल ड्राइवर की साथ वाली सीट पे था, तो मैं संभव मैं बाहर निकल गया था, गिर गया बाहर। मेरे साथ ये आपका नाम शिरलो ब्राय और मैं नवीन, हम दोनों अभी सर्वाइव कर पाए हैं। ये वो दो लोग हैं जिनकी जान बच गई, जिन्होंने जैसे ही गाड़ी नदी में गिरने जा रही थी उससे पहले उन्होंने विंडो से जंप कर लिया, इससे इनकी जान बच गई। वो गाड़ी कितने बजे लेकर गए थे, कितने लोग सवार थे, और अचानक से कैसे आपको पता लगा, फोन कहाँ से आया, एक बार डिटेल में बताइए सारा। सर वो 23rd को फ्राइडे को यहाँ से शाम को 5 बजे निकले थे। ठीक है। फिर वो सैटरडे की शाम को 7:30 बजे कहीं वहाँ जाके पहुँचे थे, किन्नौर, जहाँ पे हादसा हुआ है। ठीक है। फिर उनकी फ़ोन तो उनका वहाँ पे स्विच ऑफ हुआ था, फ़ोन पे उनसे कोई बात नहीं हो पाई थी। शाम को 7:30 बजे सैटरडे को सिर्फ उन्होंने होटल में जिसमें ठहरे हुए थे वहाँ से ही किसी लोकल फ़ोन से फ़ोन किया था मुझे। अच्छा, वो उस टाइम स्टे कर रहे थे वो? हाँ जी, वहाँ पे रात को रुके हुए थे सैटरडे की रात को। ठीक है। पर मॉर्निंग में या फिर उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हो पाई थी उनसे, क्योंकि उनका फ़ोन स्विच ऑफ ही जा रहा था। ठीक है। फिर उनका फ़ोन मैंने ट्राई करा कई बार, नहीं मिला। फिर मैंने 2:30 बजे के आसपास फिर फ़ोन ट्राई करा, क्योंकि उनका मैसेज आया, फ़ोन पे मैसेज आया था कि अवेलेबल हो चुका है, हम टॉक बात कर सकते हैं। ठीक है। कॉल करी तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, पिक ही नहीं किया। 6 बजे के आसपास मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया, सुबह 6 बजे, शाम को छः बजे फ़ोन आया कि हम सांकला से बोल रहे हैं और आप बुमराव सिंह जी को जानते हैं? जी। मैंने कहा हाँ जी, वो मेरे हस्बैंड है। तो उन्होंने कहा कि आप किसी घर में कोई, आप कितने लोग रहते हो? मैंने बताया कि हम सिर्फ 3 मेंबर हैं इस टाइम घर में, मैं, मेरी बेटी और मेरी मदर इन लॉ है। कहने लगे कि कोई जेंट्स है तो बात करा दीजिए। मैंने कहा कि जेंट्स तो कोई भी इस टाइम है नहीं। फिर मैं देखती हूँ, मैं, मेरे भाई रहते हैं नीचे, मैं उनसे बात करा देती हूँ। तब मैं नीचे आई तो मैंने उनसे अपने भाई से बात कराई, तब उन्होंने उनसे बात हुई है, जो ये मैसेज उनको दिया गया है कि भी ऐसे ऐसे वहाँ पे हादसा हो गया और उसमें वो एक्सपायर हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं।
7 को मॉर्निंग में 5 बजे लाया गया उनको यहाँ पे। मतलब वहाँ के सैलानियों ने आपको जानकारी दी इस बात की? जी सर, वहाँ के इंस्पेक्टर। वहाँ के जो इंस्पेक्टर वगैरह जो भी है वहाँ से उन्होंने कॉल किया था, बाकी सब मेरे घर वालों ने बात की थी, मैं इस हालत में नहीं थी जो मैं बात कर पाती। नहीं बोल पा रही हैं और समझ सकते हैं हम भी, दुख बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, कभी इस दुख को बोला भी नहीं जा सकता। और अचानक से इतना बड़ा दुख परिवार में, मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ। लेकिन ये जो वीडियो है मैंने आपको दिखाई, दोबारा प्ले कर देता हूँ, अगर किसी ने नहीं देखी तो देखना। कितना मतलब किसी ने नहीं सोचा होगा कि वहाँ से यात्री घूमने जा रहे हैं, इनके हस्बैंड घुमाने लेके जा रहे हैं और अचानक से पत्थर गिरेंगे और पत्थर गाड़ी पे गिर जाएंगे। तो एक प्यारी सी गुड़िया है उनकी जो मेरे साथ ही बैठी है। बेटा क्या नाम आपका? हिमांशी। हिमांशी कौन सी क्लास में बेटा? मैं 6 में हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हो, तो अभी यहाँ की फीस वगैरह तो बिल्कुल नहीं होगी, मतलब फ्री होगा? यस सर। तो बुक्स वगैरह का जो खर्चा होता है वो लेना पड़ता है आपको? हाँ जी। अच्छा, तो अभी ये रेंट का मकान है आंटी जी? जी। कितना रेंट है यहाँ का? 7000 है। 7000 के आसपास। तो अभी बिल्कुल भी इनकम सोर्स नहीं अपने पास। दोस्तों किसी ने सोचा नहीं था कि लैंडस्लाइडिंग हो जाएगी अचानक से, कितने लोगों की जान गई। आपको पता ही है, न्यूज़ में भी आपने देखा होगा, उनमें से इनके हस्बैंड भी हैं मैडम के, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। साथ ही साथ गाड़ी के अंदर 8 से 9 लोगों ने भी जान गंवाई। उनके परिवार को मैं नहीं जानता, लेकिन मैडम का संपर्क मेरे से हुआ था, इन्होंने किसी से मेरा नंबर लिया और मेरे को मैसेज किया कि हमें हेल्प की ज़रूरत है। मैंने गुड़िया की वीडियो देखी, गुड़िया ने एक बहुत प्यारी सी वीडियो बना रखी है। आई एम हिमांशी, डॉटर ऑफ इंदाव सिंह। ये मेरी मम्मी हैं, इनका नाम नम्रता है और ये एक हाउस वाइफ हैं। ये पापा अमराज सिंह, ये 5 जुलाई के नॉर लैंडस्लाइड हादसे में हमें छोड़कर चले गए। इसलिए मैं दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी को एक परमानेंट जॉब दे दी जाए। बुढ़िया की जो बातें थी मेरे से बिल्कुल भी रहा नहीं गया और मैं फटाफट से इनके पास चला आया वीडियो बनाने के लिए। और मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, सब कुछ आपके हाथ में है, मैडम की जॉब लग जाए बहुत मतलब सुकून मिल जाएगा। दुख तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन जॉब मिल जाएगी तो जॉब से कुछ कर सकते हैं ये। आज 13 अगस्त है, मेरे को 12 अगस्त को मैडम ने संपर्क किया था किसी से नंबर लेकर, और मैं 13 अगस्त को आज यहाँ इनके पास घर पर बैठा हूँ। इनकी आप मदद करना, आप सबके हाथ में है। इनका पेटीएम नंबर, फ़ोनपे नंबर सब कुछ मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। जितनी आपसे मदद हो सकती है, 1 रुपये की 2 रुपये की 3 रुपये की 5 रुपये की 100 रुपये की, वो आप सबके हाथ में है। और कोशिश करना, कोई भी अगर मेरा चाहने वाला भाई, मेरा फ़ैन रजौरी गार्डन रहता है या रजौरी गार्डन के आसपास रहता है, तिलक नगर या जनकपुरी या टैगोर गार्डन। आंटी जी का दुख आप देख ही रहे हैं, उनसे नहीं बोला जा रहा, बेटी बहुत छोटी है। बस आप कोशिश करना कि अपने किसी शॉप पे आप मैडम को जॉब दे सकें। कोशिश करना दोस्तों, घर बैठे बैठे कोई ऐसा काम मिल जाए आंटी जी को जिससे इनका घर चल सके। राशन की भी दिक्कत आ रही होगी आंटी जी भी आपको? तो राशन के लिए तो मैं आंटी जी की मदद कर देता हूँ अपनी तरफ से, बाकी आपसे जितना हो वो देख लेना आप। 10 लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से मदद हो जाएगी, दुख तो दूर नहीं होगा लेकिन आंटी की मदद बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगी। और सारी चीज़ें मैं मेंशन कर दूंगा। और अभी मेरे को एक जानकारी और देनी है, कल 12 अगस्त को भी एक बड़ी घटना घटी है उसी जगह पर। तो मेरी वहाँ की सरकार से रिक्वेस्ट है, आंटी जी की भी रिक्वेस्ट है, अभी कुछ समय के लिए वो रास्ता बंद कर दिया जाए जिससे कि ये घटनाएं और ना घटे। वैसे दोबारा से ये घटना सामने आई है, कल ही 12 अगस्त को 40 लोग थे आंटी गाड़ी में, बस पलट गई। और ये घटनाएं दोबारा ना घटे तो मेरी वहाँ की सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, कुछ समय के लिए वो रास्ता बंद कर दिया जाए।
और मैं बैठा हूँ रजौरी गार्डन में रघुवीर नगर में। यहाँ के विधायक साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ के निगम पार्षद से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सर एक बार आके प्लीज़ आप इन परिवार से मिलें, क्योंकि जहाँ पे ये रहते हैं इनका रेंट भरना मुश्किल हो रहा है, राशन पानी सब दिक्कत आई है, बेटी की पढ़ाई और बेटी को आगे इसका गुड़िया का सपना है, बिटिया का डॉक्टर बनना है। पास ही में ही डांस क्लास सीखने जाती थी जब इसके पापा थे, अब सब कुछ छूट चुका है। तो जो भी मतलब आपसे हो सकता है वो करना। आप कोई एक्सपीरियंस वगैरह आती थी आपके पास? सर मैंने गायनी डॉक्टर के पास थोड़ा कुछ टाइम काम किया हुआ है, तो उसका मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। और क्लिनिकली? हाँ। अच्छा, क्लिनिक का एक्सपीरियंस है आंटी जी को अच्छे से। और आसपास कोई क्लिनिक हो, हॉस्पिटल हो, कोई भाई मेरी वीडियो देख रहा हो तो आंटी जी की मदद जरूर करना। आंटी जी का नंबर नीचे मेंशन कर रहा हूँ मैं, ये स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा है। और मदद 2 रुपये की भी होती है, 100 रुपये की भी होती है, तो अच्छे से मदद करना, आप सबसे रिक्वेस्ट है। मैं कुछ अपनी तरफ से कर रहा हूँ आंटी जी के लिए। ये आंटी जी कुछ ना सामान है, मेरी आंटी आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि हार मत मानना, आप बुढ़िया रानी को पढ़ाना जितना हो सकता है, जी जान से पढ़ाना, जो इसकी ख्वाहिश है इसको पूरा करना, ये सब कुछ आपके हाथ में है। अब दुख तो कम नहीं होगा आंटी जी, लेकिन सब कुछ आपके हाथ में है, किस तरीके से बेटी को आगे लेके चलना है, कैसे अपने आप को देखना, अपने कैसे घर को चलाना है, हार मत मानना आंटी जी, बिल्कुल अपने आप को हिम्मत बना के रखना। मैं अकेला ही नहीं, दुनिया में इतने लाखों लोग हैं, इतने हजारों लोग हैं जो आपकी मदद के लिए आगे बढ़ेंगे, और बहुत अच्छे से आपकी मदद हो गई आंटी जी। नौकरी की भी चिंता ना करना, वीडियो मैं 16 तारीख को रिलीज़ कर दूंगा, 10-15 दिन के अंदर अच्छा से अच्छा आपको रिस्पांस मिल जाएगा। कोई भाई डोनेशन नहीं देना चाहता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंटी के लिए नौकरी का जरूर सर्च करना, मेहनत करना जी जान से। और बिटिया रानी का जो सपना था डॉक्टर बनने का, वो पूरा करना है हमने। और गुड़िया डांस क्लास में जाती थी, डांस बहुत अच्छा करती है बताया गुड़िया ने मेरे को, तो आसपास रघुवीर नगर में कोई डांस क्लासेस अच्छा किसी भाई का इंस्टीट्यूट हो तो वो भी आप हेल्प कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।